देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रईसी में कितनी आ गए? मनमोहन सिंह के पास कहां कहां पर कितनी संपत्तियां? देश के पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व वित्त मंत्री और वर्तमान में राज्यसभा से सांसद सरदार मनमोहन सिंह भारतीय राजनीति की वो अजीम शख्सियत हैं, जिनका नाम विरोधी दल के नेता भी बा अदब लिया करते हैं। ये वो विद्वान और ऐसे बड़े अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने कई बार अपनी बुद्धिमत्ता का लोहा मनवाया है। ये वो राजनेता हैं जिनसे सत्ता पक्ष के लोग भी सलाह लेते रहे हैं। सरदार मनमोहन सिंह राजनीति की वो हस्ती हैं जिनकी प्रशंसा के स्वर मौजूदा केंद्रीय मंत्रियों के लबों पर भी गूंजा करता है। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मनमोहन सिंह की प्रशंसा करते हुए कहा था कि ये देश उनकी आर्थिक नीतियों के लिए सदा आभारी रहेगा। मनमोहन सिंह ऐसे तजुर्बेकार अर्थशास्त्री हैं और समय की भट्टी में तपे हुए ऐसे नेता हैं जिनकी बातों को राजनीतिक गलियारे में बेहद गंभीरता से लिया जाता है। ऐसे धीर गंभीर, मृदुभाषी लेकिन व्यक्तित्व और विचारों में प्रखरता रखने वाले सरदार मनमोहन सिंह को लेकर आम लोगों में खूब कौतूहल रहता है। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि जीवन के 90 सावन देख चुके मनमोहन सिंह कितने दौलतमंद और कितनी संपत्तियों के स्वामी हैं। साल 2019 में राजस्थान से राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करते समय इन्होंने अपनी संपत्तियों से संबंधित जो हलफनामा दाखिल किया था, उसके मुताबिक मनमोहन सिंह के पास कुल 15,77,52,837 रुपए की चल अचल संपत्ति है, जिनमें से इनके पास 7,90,24,837 रुपए की चल संपत्ति है, जबकि इनके पास 7,87,28,000 रुपए की अचल संपत्ति है। मनमोहन सिंह के कैश और बैंक बैलेंस की बात करें तो 2019 में चुनावी नामांकन दाखिल करने तक इनके और इनकी पत्नी के पास कुल 50,000 रुपए कैश था, जबकि बैंक अकाउंट्स में कुल 7,72,54,370 रुपए मौजूद थे। इस रकम में अब घटत या बढ़त भी संभव है। मनमोहन सिंह की सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो इनके नाम से कोई शेयर या बॉन्ड नहीं है। हालांकि 2019 में नामांकन भरने तक पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नाम से 12,76,191 रुपए के NSS पोस्टल सेविंग सर्टिफिकेट्स थे, जबकि इनके नाम से कोई बीमा पॉलिसी नहीं है। 2019 के हलफनामे के मुताबिक मनमोहन सिंह की ओर से अग्रिम राशि या व्यक्तिगत लोन के तौर पर कोई रकम नहीं दी गई थी। वहीं अगर मनमोहन सिंह और उनकी पत्नी की ज्वेलरीज की बात करें तो इनके नाम से कुल 3,86,500 रुपए मूल्य की ज्वेलरीज हैं। इनमें से इनकी पत्नी के पास हलफनामा भरने तक कुल 150.8 ग्राम सोना था, जिसकी कीमत 3,86,500 रुपए बताई गई थी। वर्तमान में इसके मार्केट वैल्यू में बढ़त या घटत संभव है। वहीं अगर इनके वाहनों की बात करें तो 2019 के हलफनामे के मुताबिक मनमोहन सिंह के नाम से अपनी कोई गाड़ी नहीं है। मनमोहन सिंह की अचल संपत्तियों की बात करें तो इनके पास कोई खेतीहर भूमि नहीं है, जबकि इनके पास कोई गैर खेतीहर भूमि भी नहीं है। हालांकि इनके नाम से कुछ आवासीय इमारतें जरूर हैं, जिनकी कुल कीमत 7,87,28,000 रुपए बताई गई थी। इनके नाम से कोई कमर्शियल बिल्डिंग नहीं है। इनके लोन या देनदारियों की बात करें तो 2019 में नामांकन दाखिल करने तक इन पर कोई देनदारी नहीं थी। तो ऐसे हैं हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह। सार्वजनिक जीवन में वे जितने सादगी पसंद हैं, व्यक्तिगत जीवन में भी वे विलासिता से दूर रहना ही पसंद करते हैं। उनकी संपत्तियों का ये ब्यौरा दर्शाता है कि वे किसी तरह के दिखावे आदि से दूर रहना ही पसंद करते हैं। ये 90 वर्ष के हो चुके हैं, लेकिन जीवन भर बेहद सक्रिय रहे मनमोहन सिंह उम्र की इस दहलीज में भी राजनीति में अपनी सक्रियता बनाए हुए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।